हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो कॉफी विद कोरिया। तो आज कॉफी विद कोरिया में हमने इंतजाम किया है आपके मार्च को पूरी तरह बिजी करने का, है ना? बिल्कुल। लेकिन उससे पहले क्या तुमको पता है, करीना की जो ये डेटिंग की जो खबर आई थी उस पे इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है कि पूरी बीबीसी तक ने ये खबर दिखा दी है। ओह गॉड, ये तो नेशनल एम्बैरेसमेंट हो गया होगा ना? हाँ, नेशनल एम्बैरेसमेंट है। और पूरा कोरिया इस समय मतलब वो ये सोच रहे हैं कि यार ये तो हमारा मतलब नेशन पे बहुत ही बड़ी बात हो गई है और हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को जो है लोगों ने नेगेटिव वे में लेना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो एक साइट है ना कोरिया बुक करके, उस पर ये पूरी खबर छपी है। वो क्लिप मैं तुमको दिखाऊंगी कि शो शुरू करने से पहले आपको बताते हैं कि मार्च में वो कौन कौन सी कोरियन सीरीज हैं जो आप इस बार देखने वाले हैं। कुछ तो ऐसी भी है जो इस महीने रिलीज होगी, वो भी हम आपको बताएंगे। हाँ, और कुछ रिलीज हो चुकी है वो शायद तुमने अभी देखी नहीं, बट प्रियांशा इज राइट, कुछ ऐसी सीरीज भी है जो भी आने वाली है, कुछ रिलीज हो चुकी है, तुम सबकी लिस्ट हम आपको आप तक पहुँचाएंगे। A big month is ahead for K-drama fans. Here are new K-dramas to watch in the month of March. इसमें से कुछ ड्रामा हाल ही में रिलीज हुए, लेकिन काफी कुछ अभी रिलीज होने बाकी हैं। तो चलिए आपको इस मंथ रिलीज होने वाले K-drama की लिस्ट दिखाते हैं। Wonderful World जो कि 1st मार्च को प्रीमियर हुआ, Queen of Tears 9th मार्च को प्रीमियर हुआ, The Midnight Studio जिसकी प्रीमियर डेट 11 मार्च है, Chicken Nuggets 15 मार्च, द डेस्टिनी चेंजर 15 मार्च, ग्रैब्ड बाय द कॉलर 18 मार्च को रिलीज होगा, हाइट 23 मार्च को आने वाला है, ब्यूटी एंड मिस्टर रोमांटिक 23 मार्च को प्रीमियर डेट, ए प्रॉफिटेबल केज प्रीमियर डेट 25 मार्च, द एस्केप ऑफ द सेवन रिसरेक्शन 29 मार्च को ये ड्रामा रिलीज होगा, जैज फॉर टू प्रीमियर डेट मार्च, हालांकि इसकी डेट अभी तक इन लोगों ने मेंशन नहीं की है। तो ये वो सीरीज है जो मार्च में कोरिया में रिलीज होने वाली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी सीरीज आपको नेटफ्लिक्स या अमेज़न पे देखने को मिलेंगी। इसमें से कुछ सिलेक्टेड ही सीरीज होंगी जो आपको आपकी नेटफ्लिक्स पे आएंगी अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हो तो। मुझे तो बहुत इंतजार है। वैसे वेट तो आपको भी होगा कि पिछले हफ्ते की क्विज का क्या जवाब था, तो हम आपको जल्दी से बताते हैं और फिर अगली गॉसिप आपको बताएंगे, साथ ही एक चिट्ठी भी मैं आपको दिखाऊंगी। दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। चलिए छोड़े, चिट्ठी तो मैं इससे बाद में छीन लूंगी, लेकिन उससे पहले हमने आपसे पिछले हफ्ते पूछा था कि वन यानी कि एक को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं। हमने आपको तीन ऑप्शंस दिए थे, तो सही जवाब है प्रियांशा हाना। राइट राइट, हाना। तो वन को कोरियन में हाना बोलते हैं, टू को बोलते हैं दुल, और थ्री को से। एग्जैक्टली। वैसे ये किसकी चिट्ठी है जो तुम इसको लेके घूम रही हो और इतनी खुश हो रही हो? अभी रुकिए 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 रुकिए, इस चिट्ठी में ना किसी ने माफी मांगी है। अपॉलॉजी लेटर गाइस, अपॉलॉजी लेटर। किसने? तुम्हारे बॉयफ्रेंड? ओ बिजी मन बोल, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड इतना टैंकी है कि अभी भी चिट्ठी में माफी मांगता है। तो ओल्ड फैशन है। अरे आप रुको यार, रुको, आप मेरी बात तो सुन लो। ये मेरे बॉयफ्रेंड की चिट्ठी नहीं है बल्कि करीना की चिट्ठी है। करीना की चिट्ठी? करीना और तुमको लिखेगी चिट्ठी? तुम्हें लिख के बता दो, मैं नहीं पढ़ सकती। अरे मुझे थोड़ी ना लिखी है। देखो हुआ क्या है, देखो जरा एक बार। कुछ सिखा रही हो क्या? देखो ना। जब से ये पता चला है कि एस्पेरा की करीना एक्टर ली जे वू को डेट कर रही है, तब से हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। कुछ फैंस ने करीना को सपोर्ट किया है तो कुछ करीना से नाराज हैं। सम चाइनीज फैंस इवन सेंट अ प्रोटेस्ट ट्रक टू SM एंटरटेनमेंट एक्सप्रेसिंग देयर डिससैटिस्फैक्शन ओवर हर पब्लिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ हर रिलेशनशिप विद ली जे वू। हालात तो यहाँ तक पहुँच गए कि करीना को अपने फैंस के लिए अपॉलोजी लेटर भी लिखना पड़ा, और ये लेटर करीना ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। उसने अपने लेटर में लिखा, विद द होप दैट सम ऑफ दीज फीलिंग्स कैन बी कन्वेड, आई डिसाइडेड टू राइट दिस लेटर। डिस्पाइट माई कंसर्न्स अबाउट कॉजिंग फर्दर हर्ट, आई राइट दिस बिकॉज आई वॉन्टेड टू कन्वे माई हार्टफेल्ट अपॉलोजीज टू द फैंस हु हैव गिवन मी द वार्मेस्ट विंटर फ्रॉम द मोमेंट ऑफ माई डेब्यू। सीरियसली?
आई मीन डेट करना क्या इतना बड़ा गुनाह है कि करीना को बकायदा ये ऐसी सॉरी वाली अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ा? आई मीन दिस इज इनसेन बॉस, ऐसा तो यहाँ तो नहीं होता कम से कम। अभी तो और आप और सुनो इसके आगे क्या हुआ। क्या हुआ? करीना के हैंड रिटन लेटर के बाद कई फैंस एकजुट हो गए और उन्होंने करीना को डिफेंड करने का प्लान बनाया और उस फैन को सबक सिखाने का प्लान बनाया। साथ ही फैंस उस शख्स से भी नाराज हैं जिसकी वजह से करीना को माफी मांगनी पड़ी। दरअसल कुछ दिनों पहले करीना की डेटिंग की खबर सुनने के बाद एक फैन को इतना बड़ा झटका लगा कि उसने बीइंग ए फैन जितना भी करीना के मर्चेंडाइज खरीदे थे वो सब आधे दामों पर बेच दिए और तो और बकायदा सोशल मीडिया पर अनाउंस किया कि अब वो करीना के फैंडम को छोड़ रहे हैं। उसी के बाद से ये सारा बवाल खड़ा हो गया। देखा आपने कितना बड़ा बवाल हो गया है। बवाल तो होना ही था भाई, अब कोरिया ऐसी जगह, मतलब मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोरिया में ऐसा कुछ हो सकता है। वैसे इस खबर से मुझे याद आया कि एक और खबर है जो कोरिया बू नाम की वेबसाइट पे छपी है, वो ये है कि अभी तक तो लोग करीना को बोल रहे थे लेकिन अब ब्लैक पिंक की जेनी को भी करीना से कंपेयर करना शुरू कर रहे हैं। कंपेयर क्यों? पर ये देखो, डेटिंग को लेके जो करीना ने माफी मांगी उसके बाद कुछ फैंस ने लिखा कि करीना एटलीस्ट अपोलोजाइज्ड कंपेयर्ड टू जेनीज इररिस्पॉन्सिबल साइलेंस। लोगों का ये रिएक्शन वायरल हो गया। आपको याद होगा कि पिछले साल जेनी और बीटीएस के वी के अफेयर को लेकर काफी अफवाह उड़ी थी। इनफैक्ट दोनों के वीडियो भी काफी वायरल हुए थे। ये खबर काफी दिनों तक चली। अब कुछ का मानना है कि डेटिंग की खबरों को लेकर जेनी ने तो माफी भी नहीं मांगी, एटलीस्ट करीना में इतनी शर्म तो है कि सॉरी का लेटर तो लिखा। पर अब सवाल ये कि जेनी माफी क्यों मांगे, डेटिंग को लेकर माफी मांगनी ही क्यों है। ओ गॉड, ये कैसे फैंस है भाई, कौन अपने आइडल से माफी मंगवाता है और माफी मांगनी क्यों है, ऐसा क्या हो गया है? सही कह रही हो, पर पता तुमको ये इशू इतना बड़ा हो गया है कि बीबीसी तक को ये खबर अपने चैनल पर दिखानी पड़ी। आई मीन बीबीसी समझ रही हो, जो कि बहुत ही बड़े इश्यूज होते हैं तभी वो अपने वेबसाइट या चैनल्स पे खबर डालती है। तो अगर बीबीसी ने खबर चलाई है तो मतलब बॉस जरूर कुछ न कुछ कोई बात है। On March 6th, the outlet posted an article about her apology, जहां पर उन्होंने साउथ कोरिया में डेटिंग को लेकर चल रहे नेगेटिव नोशन के बारे में काफी कुछ लिखा है। एक फैन ने जब इस पोस्ट की फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाली तो फैंस को काफी बुरा लगा। उनको लगा कि कुछ फैंस की वजह से पूरे देश को एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है। यही नहीं, जिस तरह से बीबीसी में यह आर्टिकल आया उसके बाद से ही कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री की छवि दुनिया भर में खराब हो गई। बात रे, सीरियसली देखो यार, फैंस की वजह से पूरा नेशन ही बदनाम हो रहा है। मतलब क्या चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। कुछ तो गड़बड़ है दया, प्रियंका तुम ये करने वाली थी ना, पर तुम हाँ मैंने सोचा मैं वो ऐसे कर दूँ। वेल, करीना तो नेशनल आइडल बन गई है। वैसे भी वो अपने गानों की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ है जो हमें बताना बाकी है। वो सब हम लोग आपको धीरे धीरे बताएंगे। फिलहाल तो अभी हमें लेट हो रहा है क्योंकि हमें काम करने जाना है। तो क्यों ना सबसे पहले हम पूछ लेते हैं आज की क्विज क्या है। Yes guys, quiz time. So चलिए बताइए कि प्लीज को कोरियन में क्या बोलते हैं और उसके ऑप्शंस बताएंगे आपको शिल्पी मैम। Yes. पहला ऑप्शन है हुआ, दूसरा ऑप्शन है आया, तीसरा ऑप्शन है छह बार। इन तीनों में से कोई एक सही जवाब है। और आपको बता दूं ये तीनों शब्द आपने कोरियन ड्रामा में बहुत बार सुने होंगे और अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो हमने सवाल पूछा है उसका जवाब क्या है। अपने जवाब हमें लिखकर जरूर भेजिएगा और हाँ, जाते जाते ये नया शब्द तो सीखते ही जाइए। अच्छा ये बताइए, आई एम ओके को कोरियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ऑप्शंस भी दे दीजिए आप। नहीं, मैं ऐसे ही बताऊं, इसमें ऑप्शन क्यों देना है बताओ, क्या बोलते हैं? ग्वेन छान आयो, ग्वेन छान आयो, बहुत बार सुना होगा ना। क्यों ग्वेन छान आयो गाइस, ग्वेन छान आयो, ग्वेन छान आयो। चलिए चलिए, अब आई थिंक वी आर डन, अब वक्त है हमारे जाने का। तो करीना से जुड़ी और भी खबर हम आपको शायद नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि देखते हैं बीबीसी के बाद अब और किस चैनल ने करीना की न्यूज को कवर किया है। Till then, bye bye. Take care. Bye guys. Ta-da. And annyeong.
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।